आपको आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ। उत्तराखंड से एक लड़का आता है, इंजीनियरिंग कंप्लीट करता है। 24 साल तक उसने एक बार भी कम्पिटिटिव रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेला वो, लेकिन फिर भी सोचता है इंजीनियरिंग करने के बाद कि वो क्रिकेट परस्यू करेगा, क्रिकेट में वो कुछ करेगा। दिन रात तक मेहनत करता है, मशक्कत करता है, घर वालों से बहस भी होती है क्योंकि ऑब्वियसली कौन ही इंजीनियरिंग करके क्रिकेटर बनना चाहेगा, वो भी 24 साल के एज में डिसाइड किया है उसने। तो उसने मेहनत किया, अपने स्टेट उत्तराखंड के लिए भी बहुत अच्छा खेला उसने डोमेस्टिक लेवल पे, उसको वाइड बॉल क्रिकेट का कैप्टनसी भी दिया गया। और फिर आता है 2022 साल जिसमें मुंबई इंडियंस उस लड़के को पिक करती है, साल भर उसको कुछ मौका नहीं देती। लेकिन फिर आता है 2023 जहाँ पे मुंबई इंडियंस फिर से उस खिलाड़ी को बैक करती है। साल भर पूरा सीज़न भर आप कह सकते हैं कि मुंबई इंडियंस का बॉलिंग अटैक कुछ खासा रहा नहीं है। IPL 2023 में आई थिंक सबसे वन ऑफ द पुअरेस्ट बॉलिंग अटैक रहा है मुंबई इंडियंस का इन द हिस्ट्री ऑफ आप देखें मुंबई इंडियंस के। और तब आते हैं ये प्लेयर जो आखिरी एक दो वीक में उनको चांस मिलता है, और ये बंदा क्या ही चमकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आकाश मढ़वाल की। वो 7 मैचेस में कितना 13 विकेट्स ले चुके हैं। आई गेस गुजरात के खिलाफ उन्होंने 3 इम्पॉर्टेंट विकेट लिया है जिसमें साहा, शुभमन गिल और डेविड मिलर जैसे विकेट लिए हैं। आखिरी मैच जो सनराइजर्स हैदराबाद के साथ हुआ था मुंबई इंडियंस का आखिरी लीग मैच में, उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट विकेट जो कि एक पार्टनरशिप लग रहा था, 100 रन ऊपर का पार्टनरशिप हो गया था, विवरान शर्मा और आई गेस मयंक अग्रवाल को आउट किया, फिर हेंड्रिक क्लासेन को आउट किया उसने, फिर हैरी ब्रुक्स को पहली बॉल पे चलता किया, और फिर कल के मैच में LSG हाई प्रेशर गेम, एलिमिनेटर मस्ट विन गेम था, उसमें उन्होंने 5 विकेट दे दिए। सिर्फ 5 रन दे के 5 विकेट ले लिया उन्होंने, और उन्होंने 4 ओवर फेंका भी नहीं था, उन्होंने पूरा आई गेस 3 ओवर्स 3 बॉल्स फेंके, 3.3 ओवर्स फेंके और उन्होंने उसमें 5 विकेट और 5 रन। आई मीन भाई, लाइक ऐसा कौन ही बॉलिंग करता है यार। और यही बात है शायद मुंबई इंडियंस के स्काउट की, जो मतलब सस्ते सस्ते प्लेयर्स में वो पिक करते हैं, है ना। इस साल वो तिलक वर्मा हो गए, निहाल वडेरा हो गए, आकाश मढ़वाल हो गए, है ना। और भी आप हिस्ट्री देख लीजिए मुंबई इंडियंस के, वो 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ में खिलाड़ी को लेते हैं और फिर वही मुंबई इंडियंस को यू नो लाइक काई मुंबई इंडियंस को एकदम हाइट्स में ले जाते हैं। बात करते हैं गेम की, तो कल क्या हुआ, चेन्नई में मैच था, टर्निंग पिच था, थोड़ा स्लो पिच था, 140-150 एवरेज स्कोर है उधर का। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता, रोहित शर्मा ने बैटिंग करने का चूज़ किया। थोड़ा बहुत चेन्नई का ही आप बोल सकते हैं, चेन्नई का ही टैक्टिक्स कॉपी किया उन्होंने। ओपनिंग रोहित शर्मा, ईशान किशन अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ ओवर में वो यश ठाकुर और नवीन उलहक के यू नो स्लोअर बॉल से रोहित शर्मा पहले कवर्स में आउट हो गए, डीप कवर में आउट हो गए, और ईशान किशन भी अपना विकेट धो बैठे। पावर प्ले के वो 2 विकेट गिरने के बाद थोड़ा लगा कि मुंबई थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी, लेकिन फिर आते हैं कैम ग्रीन और सूर्य कुमार यादव, वो 2 सितारे, ये 2 सितारे मुंबई को कभी स्ट्रगल होने ही नहीं दी, और फिर अगले 5-6 ओवर तक मारते ही गए, बस मारते गए। LSG का एक अच्छा टेक्निक था कि पावर प्ले में स्पिनर्स को लाए, लेकिन कृणाल पांड्या खुद को एज अ कैप्टन बहुत प्रेशर कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। वो पहले बॉलिंग भी कर रहे हैं, 1 डाउन बैटिंग भी आ जा रहे हैं, लेकिन आई गेस थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। 4 ओवर में आई गेस उन्होंने 38 रन दिए, और उनका तो आप पावर प्ले में आई गेस 1 ओवर में शायद 18-20 रन चले गए थे। तो पावर प्ले में मुंबई इंडियंस आई गेस 60 रन पे 2 विकेट थी। 10वें 11वें ओवर तक मुंबई का पकड़ा बहुत भारी था, 106 रन में 2 ही विकेट गिरा था, लेकिन फिर आते हैं वापस नवीन होलक और 1 ही ओवर में 2 विकेट गिरा देते हैं। पहला बॉल था ऑफ कटर जिसमें सूर्य कुमार यादव वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन मारना चाह रहे थे, लेकिन मिस टाइम हुआ, और वहाँ पे कृष्णप्पा गौतम 25 मीटर भाग के एक शानदार कैच पकड़े, और फिर दूसरा ही बॉल एक लेग कटर था और कैमरून ग्रीन क्लीन बोल्ड हो गए। उसके बाद से 5-6 ओवर तिलक वर्मा, डेविड मिलर ने ट्राई किया कि सॉरी तिलक वर्मा और टीम डेविड ने ट्राई किया कि थोड़ा पारी को संभाले, है ना। मुंबई इंडियंस जो यू नो लाइक
बहुत अच्छा खेल रही थी, फिर अचानक से स्लो हो गया, एक ओवर में 8 रन 9 रन ऐसे आ रहे थे, शायद अगले 5-6 ओवर में, शायद 7 ओवर में शायद 40 या 50 रन ही आए होंगे, बहुत स्लो हो गया था। लेकिन फिर आते हैं नेहाल वढ़ेरा, तिलक वर्मा और कैमरून ग्रीन आउट हो जाते हैं, फिर नेहाल वढ़ेरा आते हैं, ये इम्पैक्ट प्लेयर बन के आते हैं, और ये भी एक बहुत बेहतरीन बात है, क्योंकि आपको पता है कि मुंबई इंडियंस का बॉलिंग उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो और क्योंकि 18 ही ओवर है बस, उसके बाद 2 ही ओवर है, तो आप चाहते हैं कि क्रिस जॉर्डन आए, नेहाल वढ़ेरा, अगर आप इम्पैक्ट प्लेयर कर रहे हैं नेहाल वढ़ेरा को, तो आपका वो एक बॉलिंग ऑप्शन कम हो जाता है। अगर नेहाल वढ़ेरा नहीं आते तो सेकंड इनिंग्स में आप हो सकता है कुमार का कार्तिकेय आ जाते हैं, और आपके पास फिर शायद 6-7 बॉलिंग ऑप्शन हो जाती, 4 ओवर आई गेस स्पिनर के, ऋतिक शौकीन, पीयूष चावला, कुमार कार्तिकेय, 3 ओवर स्पिनर, और फिर कैमरन ग्रीन, आकाश मडवाल और क्रिस जॉर्डन, है ना, तो इससे आई गेस एक अच्छा बॉलिंग अटैक हो सकता था, लेकिन निहाल वढ़ेरा ने पूरा रॉन्ग प्रूफ कर दिया। वो जो छोटा सा कैमियो खेले आई गेस 12 बॉल पर 25 रन बनाए उन्होंने, वो लास्ट ओवर में 2 छक्का, एक आई गेस स्क्वायर लेग का था और एक शायद मिड विकेट के ऊपर से था, वो बेहतरीन छक्का था, आखिरी ओवर में उन्होंने अपना विकेट खोया, और आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स मुंबई मैनेज टू स्कोर 182 8 विकेट के नुकसान में, 183 का टारगेट है ना, काफ़ी अच्छा स्कोर है ना। हमने देखा है गुजरात टाइटंस जैसे टीम को स्ट्रगल करते हुए क्वालिफायर्स वन में, चेन्नई सुपर किंग्स जैसे बैटिंग ऑर्डर में भी उन्होंने 170-180-175 रन की मार पाई, तो ऐसे में लग रहा है कि 185 एक अच्छा डिफेंडिंग स्कोर है, लेकिन फिर आप देखते हैं कि मुंबई इंडियंस का बॉलिंग स्क्वाड जो है, बॉलिंग अटैक जो है, वो इतना खासा रहा नहीं है, ये शायद मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन उतना अच्छा रहा नहीं है इस साल, तो थोड़ा एज अ मुंबई फैन मैं भी थोड़ा डर रहा था कि शायद 200-210 मार देती, क्योंकि देखिए वो गुच्छे में विकेट गिरा, अगर वो गुच्छे में विकेट नहीं गिरता तो शायद 210-220 आराम से बन सकती थी। तो ठीक है, अब LSG बैटिंग करने आई, काइल मेयर्स और प्रेरक मनकड़, शायद क्विंटन डिकॉक को खिला सकते थे, लेकिन क्विंटन डिकॉक रिप्लेस हुए काइल मेयर्स के जगह, तो काइल मेयर्स बैटिंग करते हैं, और सेकंड ओवर में ही ये आकाश मधवाल, आई गेस आकाश मधवाल ने ही एक बढ़िया सा बॉल फेंका, प्रेरक मनकड़ वो शायद कवर्स के ऊपर से 6 रन मारना चाह रहे थे, लेकिन डीप पॉइंट में, डीप कवर्स में वो ऋतिक शौकीन का एक आसान सा कैच दे बैठे, और सेकंड ओवर में ही प्रेरक मनकड़ चल पड़े, और ऐसे ही शायद चौथे ओवर में भी क्रिस जॉर्डन का एक स्लोअर बॉल था, और काइल मेयर्स भी चलते बने, और आफ्टर द एंड ऑफ यू नो लाइक द पावर प्ले, लास्ट ओवर में ऋतिक शौकीन का एक 18 ओवर का एक महंगा ओवर था, 6th ओवर जो है, लेकिन फिर भी मुंबई आगे थी, आई गेस 54 2 विकेट्स था, स्टॉइनिस बैटिंग में थे और कृणाल पांड्या बैटिंग में थे, अगेन कृणाल पांड्या अपने आप को प्रमोट करते हैं बैटिंग ऑर्डर में, अपने आप को आई गेस वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हैं कि वो कैप्टन है, वो लाइक गली क्रिकेट में, आपने अगर गली क्रिकेट देखा होगा कि भाई मैं भी फर्स्ट बॉलिंग करूँगा, मैं भी फर्स्ट बैटिंग करूँगा, थोड़ा ऐसे टाइप का यू नो खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, जो कि थोड़ा ख़राब है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर आप देखें तो शायद अगर निकोलस पुरन को थोड़ा ऊपर भेज सकते, या आयुष बदौनी को थोड़ा ऊपर भेज सकते थे, कृणाल पांडे थोड़ा नीचे आ सकते थे, थोड़ा कुछ काम बनता, लेकिन आकाश मधवाल वापस, आकाश मधवाल आते हैं पावर प्ले के बाद, वो दो एक ही ओवर में, शायद वो 10th ओवर था आई गेस, देखना पड़ेगा, शायद 10th ओवर था, हाँ 10th ओवर में उन्होंने आयुष बदौनी का विकेट लिया, क्लीन बोल्ड, तीन डॉट बॉल, फिर चौथे बॉल पे बोल्ड किया, पांचवे बॉल पे निकोलस पुरन का वो टेस्ट लाइन, वो टेस्ट मैच लाइन में बॉल किया, और ईशान किशन एक आसान सा कैच कॉट बिहाइंड हो गए, और उसके बाद तो फिर स्ट्रगल ही था, दीपक हुड्डा आए, वो 3-3 रन आउट, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था दीपक हुड्डा मुंबई की तरफ से खेल रहे हैं कि LSG की तरफ से खेल रहे हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग था, और ट्राई किए स्टॉइनिस भी बहुत यू नो लाइक स्टॉइनिस टिके रहे, लेकिन वो रन आउट हुए, फिर कृणाल पांड्या भी आउट हो चुके थे, दीपक हुड्डा आउट हो गए, कृष्णप्पा गौतम रन आउट हो गए, वो क्या रोहित शर्मा का हम बेहतरीन फील्डिंग देखते हैं, जो भी उनको
फिटनेस के बारे में बोलते हैं, फिटनेस का क्रिटिसाइज़ करते हैं। रोहित शर्मा बहुत अच्छा फील्डिंग करने लगे हैं, वो कैमरून ग्रीन और रोहित शर्मा का जो रनआउट था, जो कैमरून ग्रीन डाइव मार के रोहित शर्मा को पास करते हैं और फिर विकेट में थ्रो करते हैं रोहित शर्मा, वो एक बेहतरीन था। ऐसे करके बहुत बड़ी आसानी से 81 रन के डिफरेंस से 81 रन से जीत गई मुंबई इंडियंस। और आकाश मधवाल 5 विकेट 5 रन देके 3.3 ओवर मैन ऑफ द मैच, वो उन्हीं को ही मिलना था। और अभी नेक्स्ट मैच है गुजरात वर्सेस मुंबई, कल है क्वालिफायर्स टू, अहमदाबाद में है। तो अहमदाबाद में मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कि ये हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए। अगर मुंबई का बैटिंग हम सब जानते हैं कितना अच्छा है, गुजरात का बॉलिंग कितना अच्छा है हम सबको पता है। राशिद खान आएंगे वहाँ से, नूर अहमद आएंगे यहाँ से, कैमरून ग्रीन, तिलक वर्मा, निहाल वढ़ेरा ये सब बैटिंग करेंगे, सूर्य कुमार यादव रहेंगे, तो बहुत बढ़िया मैच रहेगा। एलिमिनेटर मुंबई इंडियंस जीत गई, अब देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा एनालिसिस, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर वो सब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।